हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइंस और बच्चों आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का एक नए लेक्चर के साथ हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों रिप्रेजेंटेशंस ठीक है जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दो टाइप के रिप्रेजेंटेशंस हमने देख लिए थे पहला था हमारा वैज रिप्रेजेंटेशन और सेकेंड था हमारा बच्चों शोहर्स रिप्रेजेंटेशन ठीक है चलिए तो आज हम इससे आगे को स्टार्ट करते हैं वीडियो और दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन अभी आपके और हैं जिनको हम इस क्लास में डील करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक है हमारा यूनिट चल रही है केमिस्ट्री यस और टॉपिक चल रहा है तो रिप्रेजेंटेशन में हमने दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिए हैं जो अब हम थर्ड वाला पढ़ते हैं बच्चों कौन सा न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन ठीक है रिप्रेजेंटेशन है हमारा न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए ठीक है विजिबिलिटी क्लियर ना ओके चलिए तो पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं देन एक्सप्लेन कर देंगे तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं पहले न्यूमेन प्रोजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड द रिप्रेजेंट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एटम्स और ग्रुप्स ऑन द टू एडजस्टेंट कार्बन एटम ठीक है तो यहां पे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है ग्रुप्स ऑन द टू एडजस्टेंट कार्बन आइटम जैसे आपको बच्चों में मैंने बताया था शोहरस प्रोजेक्शन में क्या होता है जब हम किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं जैसे लाइक दिस ये रहा, ये रहा ठीक है था ना प्रोजेक्शन तो अब इसमें क्या करते हैं जब हम इसको देखते हैं तो कैसे देखते हैं बताइए देखिए तो शोहर में बच्चों हमने इसको डायगोनली ऐसे पकड़ा था और इस तरीके से डायगोनली व्यू किया था यस है ना

कार्बन कार्बन बॉन्ड द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल देखिए अब मैं आपको इससे दिखाता हूं ध्यान से देखिएगा प्लीज सबसे पहले ये रहा बच्चों आपका मॉलिक्यूल एटलीस्ट दो कार्बन एटम हो होने चाहिए और हमारे पास दो कार्बन एटम है हम क्या करेंगे बच्चों उसके ऐसे डायगोनल ऐसे बीच से पकड़ लीजिए कैसे ही पकड़ लीजिए इट्स ओके और आपको उसको ऐसे अलोंग द एक्सेस देखना है ठीक है अलोंग द एक्सेस मतलब इस के अलोंग मतलब सामने से देखना है लाइक like दिस तो क्या होगा बताइए आप व्यूवर हो क्या दिखाई पड़ेगा आपको फ्रंट कार्बन दिखाई पड़ेगा ठीक है और आपको तीन यहां बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे और किस फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे बच्चों कैपिटल वाई की फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे ठीक है तो ये क्या है फ्रंट कार्बन और कैपिटल वाई की फॉर्म में यहां पर आपको तीन बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो आपने देखो आपके लिए ये फ्रंट कार्बन है ना और ये बैक कार्बन है देखो ना ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन तो देखिए फ्रंट कार्बन इज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के थ्रू और जो बैक कार्बन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों एक बड़े से सर्कल के थ्रू किया जाता है तो मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे बच्चों आपको ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है सी सिंगल बॉन्ड सी ठीक है तो कैसे करना है बताइए कैसे बताया मैंने आपको फ्रंट कार्बन कैसे दिखाना है डॉट मतलब इस तरीके से ठीक है और कैसे है वाई फॉर्म में है ना तो देखिए बच्चों इस तरीके से तो ये क्या हो गया बच्चों आपका डॉट फ्रंट कार्बन वाई फॉर्म में और जो जस्ट इसके बैक वाला है वो कैसे दिखाना है आपको ऐसे सर्कल की फॉर्म में लाइक like दिस देख लीजिए ठीक है तो ये क्या है आपका डॉट क्या है फ्रंट कार्बन है इसमें तीन बॉन्ड लगे हुए हैं और ये क्या है सर्कल अच्छा अब देखिए अब आपको दिखाई पड़ रहा कि सर ये एटम के पीछे ये एटम है इसके पीछे ये इसके पीछे ये एंड इसके पीछे ये वाला मतलब इस मॉलिक्यूल में सारे एटम फ्रंट वाले एटम जो है बैक वाले एटम जो है फ्रंट वाले एटम से क्या है कंप्लीटली है मतलब छिपे हुए हैं तो आपको कैसे दिखाएंगे देखो फ्रंट कार्बन तो मैंने आपको इस फॉर्म में दिखा दिया और बैक कार्बन सर्कल की फॉर्म में दिखा दिया है ना और जो इसके बैक वाले हैं आप उसको ऐसे दिखाएंगे लाइक दिस ठीक है ये हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन ये फ्रंट हाइड्रोजन ये बैक हाइड्रोजन फ्रंट और बैक हाइड्रोजन क्लियर है ठीक है ना तो बच्चों एटम के पीछे एटम जब छिपा होता है ना इसे तो बोलते हैं फॉर्म क्या बोलते हैं फॉर्म यस क्या है बच्चों इक्लिप्स फॉर्म एक चीज और समझ लीजिए यहां पर एक वर्ड होता है बच्चों यहां पर डाईहेड्रल एंगल डाईहेड्रल एंगल का मतलब होता है फ्रंट वाले कार्बन का एटम और बैक वाले कार्बन के एटम के बीच में बनने वाला एंगल ध्यान से सुनिए फ्रंट कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं और बैक कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है देखो बताइए अभी फ्रंट कार्बन के एटम मतलब ये वाला और इसके ये इसके बीच में कितना एंगल बनना कैसे पता चलेगा ध्यान से देखिए आप मुझे बताइए इसके बीच में कितना एंगल है इसके और इसके और बीच में आपको ट्राइगोनल प्लेनर दिखाई पड़ रहा है आगे से है ना तो 120 होगा और इसको मैंने खिसका के ऐसे रोटेट करके क्या कर दिया के बीच में कर दिया लाइक इधर पे कर दिया तो ये 120 है इसके मिड में आ गया तो कितना हो गया सिक्सटी डिग्री हो गया नहीं हो गया बताओ है ना तो क्या करना है आपको इसको सिक्सटी डिग्री का रोटेशन करोगे ना बच्चों तो देखो क्या होगा अभी यहां पर डाई एंगल कितना है जीरो डाईहेड्रल एंगल कितना है बच्चा जीरो का है ठीक है और बैक कार्बन को घुमा के ऐसे 60 कर देना है तो बताइए इस वाली बॉल इस वाली बॉल या फिर इसके और इसके किसी को भी देख लो फ्रंट और बैक वाले के बीच में कितने एंगल बन रहे बताओ सिक्सटी डिग्री का ना तो जैसे सिक्सटी डिग्री घुमाओगे बच्चों फ्रंट कार्बन तो आपका ऐसे वाई की वाई फॉर्म में रहा यस yes. है ना जो बैक कार्बन के जो बॉन्ड्स है वो क्या हो गए शिफ्ट हो गए कितने शिफ्ट हुए देखो यहां देखो ना ये यहां से कहा गया यहां पर आ गया और ये वाला यहां से यहां पर आ गया सिमिलरली ये यहां से यहां आ गया सॉरी ये नहीं ये ठीक हो गया लाइक like दिस तो क्या हो गया देखिए ये और ये इनके बीच में आ गया और ये इनके बीच में आ गया हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दिस क्लियर है तो ये क्या है बच्चों आपका इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म या इसको बच्चों बोलते हैं एंटी फॉर्म क्या बोलते हैं एंटी फॉर्म थीटा कितना है इसमें बताइए थीटा कितना है बच्चों इसमें 60 डिग्री थीटा मतलब ये वाला इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है फ्रंट कार्बन के एटम और बैक कार्बन के एटम के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बनना है बच्चों 60 डिग्री बनना है ठीक है तो इसे बोलते हैं डाई एंगल या फिर टोरसिनल एंगल इसका एक और नाम है बच्चों टॉर्सिनल एंगल तो समझ में आया ना आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलिए इसको हटा देते हैं क्लियर है आप इसको नोट करते रहेंगे अब मैं आपको एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बना के दिखाता हूं और फिर हम उससे आगे बढ़ जाते हैं देखिए तो ब्यूटेन ब्यूटेन कौन हुआ बताओ ब्यूटेन बनाना है आपको बच्चों एन ब्यूटेन सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू एंड अगेन सी एच थ्री ठीक है तो देखो ये रहा बच्चों मेरा वही इथेन मॉलिक्यूल और मैं ब्यूटेन बनाने वाला हूं कैसे बनाऊंगा बताइए आपको कुछ नहीं करना यहां से दो हाइड्रोजन को कार्बन की बॉलों से रिप्लेस कर देना है ये देखिए लाइक दिस ठीक है ये क्या है बच्चों आपका ब्यूटेन ध्यान से देखिए अच्छा आप मुझे बताएंगे ब्यूटेन की कौन सी फॉर्म है स्टैगर्ड या एंटी कहोगे सर स्टैगर्ड है क्योंकि यहां पे एटम के पीछे एटम आ रहा है यस और नो स्टैगर्ड आ है ना क्योंकि एटम के एटम के पीछे है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे अलोंग द एक्सिस व्यू करना है ये आपका फ्रंट कार्बन है तो डॉट से दिखाना है ये बैक कार्बन को बड़े से सर्कल से दिखाना है ठीक है तो कोई नहीं टूट गया पुराना हो गया मॉडल थोड़ा तो ये बॉल्स फिट नहीं आ रही हैं ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है? तो समझ में आया ना बच्चों तो देखिए अब मैं इसको ड्रॉ करना हूं। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा प्लीज तो वो ऐसा करते हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट पेन लेता हूं फ्रंट कार्बन को मैं दूसरे से दिखाता हूं मतलब ब्लू से दिखा देता हूं चलो तो पहले आपको कैसे दिखाना है बच्चों वाई फॉर्म में दिखाना है कैसे दिखाना है वाई फॉर्म में और ये जो डॉट है ये फ्रंट कार्बन है और ये जो क्या है बच्चों ये बैक कार्बन है है ना अभी यहां पर क्या है डाई हाइड्रल एंगल कितना है थीटा कितना है बच्चों यहाँ पर जीरो डिग्री है मतलब एटम के पीछे एटम है ये एच 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 एंड एच सॉरी यहां पर बच्चों सी एच थ्री है और यहां पर अगेन क्या है बच्चों सी एच थ्री है तो थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री है क्लियर है देख लीजिए प्लीज विजिबल है ना ओके देन अब हम इसको ऐसा करते हैं सिक्सटी डिग्री का रोटेशन दे देते दे हैं बच्चों ठीक है सिक्सटी डिग्री का रोटेशन देना मतलब देखो तो अभी आपने यही फॉर्म बना रखी है तो आप फर्स्ट वाले कार्बन कैसे होल्ड कीजिए और इस वाले को बच्चों 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए कैसे पता 60 आपको पता है इन दोनों के बीच में मैं ला गया हूं तो 60 डिग्री का रोटेशन हो गया ना तो क्या हो जाएगा जैसे आप 60 डिग्री रोटेशन करेंगे ये पहुंच जाएगा बच्चों यहां और ये पहुंच जाएगा यहां एंड ये पहुंच जाएगा यहां है ना तो जो दूसरी फॉर्म आएगी वो भी कुछ ऐसे ही आ जाएगी फ्रंट कार्बन तो वाई फॉर्म में है वाई ही है और बैक कार्बन थोड़ा सा आपको चेंज दिखने वाला है कैसा चेंज तो तीन वर्ड ऐसे आ जाएंगे यहां पर क्या था बच्चों एच एच और ये क्या था आपका सी एस थ्री बट सिक्सटी को आपने सिक्सटी डिग्री घुमाया सी एस थ्री तो कहां गया यहां और ये हाइड्रोजन इधर पहुंच गया और ये हाइड्रोजन इधर पहुंच गया थीटा कितना है बच्चों इसे बताओ सिक्सटी डिग्री का है ठीक है इसका नाम है बच्चों इक्लिप्स लेकिन नोटिस करने वाली बात यहां पर यह है कि यह कैसा है फुलीप्स क्या है फुलीप्स ठीक है फुलीप्स और यह क्या है स्टेगर्ड ठीक है इसका नाम है बच्चों यहां पर स्टेगर्ड या एंटी जो है जब ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप्स बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट चले जाते हैं तब तो हम इसको एंटी कहते हैं अभी बच्चों हम इसको बोलते हैं स्क्यू और गौची ठीक है क्या बोलते हैं इसकी और फॉर्म बोलते हैं चलिए अब आप अगेन वन ट्वेंटी करिए तो, कर तो बच्चों कहा जाएगा इधर आ जाएगा है ना तो जो नया स्ट्रक्चर के आएगा कुछ ऐसा बन के आएगा ध्यान से देखें ये रहा आपका बच्चों वाई फॉर्म ये लाइक दिस अच्छा बताइए अब ये सी एस थ्री यहां चला गया

तो और थीटा यहां पर है बच्चों कितना 120 डिग्री काम करो यहां 60 लिख लो इसमें को आप, आप अगेन इसको 60 डिग्री रोटेट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा ध्यान से देखिएगा अब बताओ सिक्सटी डिग्री रोटेट करूंगा तो सी एस थ्री कहां आ जाएगा जस्ट इधर आ जाएगा और ये वाला सी एस थ्री यहां रह गया और इनको आप एच सच नोट कर लेंगे लाइक दिस क्लियर है ओके okay. अब आप इसको अगेन 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहां पर थीटा कितना है वन एट्टी डिग्री हो गया देखो CS3, CS3, just reverse, ना सी एस थ्री सी एस थ्री जस्ट रिवर्स चलेगा ना ऑपोजिट है दूसरे के फिर अगेन सिक्सटी करेंगे तो क्या मिलेगा वाई अब ये इधर आ जाएंगे यहां एक सी एस थ्री एच एक सी एस थ्री एच 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 थ्रीटा कितना है बच्चों यहां पर बोलो टू हंड्रेड डिग्री सॉरी फोर्टी डिग्री कितना है बच्चों टू फोर्टी डिग्री है ठीक है अच्छा इस वाली फॉर्म का नाम क्या है बच्चों ये ना स्टेबल कैसे है? देखो, ये हम यहां पहुंच गए बड़े बड़े ग्रुप के एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में चले गए हैं इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एंटी फॉर्म क्या बोलते हैं एंटी और स्टैगर्ड एंटी और टैगर्ड ठीक है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप क्या है सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस में चले गए हैं चलो, अब इसको अच्छा क्या बिल्कुल अब ये फॉर्म यहां तक ही बस चेंज होती है रिपीट होना शुरू हो जाती है अगेन सिक्सटी करूंगा तो बताओ क्या मिलेगा ये देखिए अब सी एस थ्री ये तो यही रहना है वो सी एस थ्री इधर आ जाएगा एच 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 ये कौन सी फॉर्म है बताइए ये ये वाली फॉर्म है ना देखो कौन सी स्क्यू और गौची ठीक है और थीटा कितना है बच्चों यहां पर बोलिए थ्री थ्री हंड्रेड डिग्री एंड देन फाइनली आप इसको अगेन सिक्सटी डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा देखो कैसा एटम के पीछे एटम आ जाएंगे बट और ये फुली क्लिप्स आ जाएगा क्योंकि सेम सेम एटम एटम के पीछे देखो ना घूम H, H, तो आपने आपने जब मॉलिक्यूल को पूरा रोटेट किया पूरा थ्री सिक्सटी पहुंचा दिया तो वो फिर से क्या आ गया बच्चों अपनी पुरानी वाली फॉर्म में लौट के आ गया है ठीक है आपको थोड़ा दिख नहीं रहा अब देखिए क्लियर है ठीक है अब मैं आपको मॉडल के थ्रू बना के दिखाता हूं सबसे पहले बच्चों मेरी कौन सी फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है इसे हम बोलते हैं बच्चों फॉर्म जो कि ये रखी है फॉर्म थीटा कितना है जीरो डिग्री देखो ना इस वाले इस वाले के बीच में कोई एंगल है क्या जीरो डिग्री डाईहेड्रल एंगल कितना है जीरो डिग्री जैसे ही आप इसको सिक्सटी डिग्री रोटेट करते हो बच्चों देखो अब डाईहेड्रल एंगल कितना आ गया है सिक्सटी डिग्री मतलब ये वाली फॉर्म आ गई इसको आप बोलते हैं बच्चों इसक्यू और गौची फॉर्म ठीक है देन उसके बाद अब सिक्सटी अगेन करूंगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी बोलो और ये वाली फॉर्म कौन सी है देखो एटम के पीछे एटम तो आ गए हैं लेकिन सेम एटम सेम एटम एटम के पीछे नहीं आया है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या इक्लिप्स 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 बट कैसा पार्शियल ठीक है ना ये देखिए बच्चों हमारा ये क्या है पार्शियल इक्लिप्स अब यहां पर थीटा कितना वन ट्वेंटी अब देखिए अगेन आप इसे सिक्सटी रोटेट करेंगे वन एट्टी डिग्री है ना ये रहा आपका वन एट्टी डिग्री कौन सी फॉर्म बन रही है बच्चों इसकी कौन सी फॉर्म बन रही है एंटी या फिर स्टैगर्ड और सबसे स्टेबल फॉर्म भी इसी को माना जाता है क्योंकि बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं बल्कि ग्रुप्स क्या हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में चले गए हैं ठीक है चलिए तो क्या हो गया देखो आपका पूरा राउंड कंप्लीट हो गया मीन 360 डिग्री का रोटेशन यहां पर हो चुका है लाइक like दिस तो हम फिर से कहां पहुंच गए बच्चों फुल फुल्ली क्लीज फॉर्म पे ही पहुंच गए हैं तो देखा आपने न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन देखा ना कैसे करते हैं दो कार्बन होने चाहिए एटलीस्ट और आपने मॉलिक्यूल को ऐसे अलोंग द एक्सिस व्यू करना होता है और शोहर्स में इसको ऐसे डायगोनली व्यू करना होता है तभी आपको दो वाई और एक उनके बीच में डायगोनल लाइन दिखाई पड़ती है बट यहां पर अलोंग द दे एक्सेस देखते हैं तो आपको बीच का बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ता है कैसा इट इज क्लियर ना समझ में आया बच्चों तो देख लीजिए बच्चों आज हमने पढ़ा यहाँ पर न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम लोग मिलेंगे फिशर रिप्रेजेंटेशन या फिशर प्रोजेक्शन के साथ तब तक आप इसको पढ़िए इसके नोट्स बनाइए